सो गाइस आप देख सकते हैं ये रियलमी का फ़ोन है, रियलमी 5i मी का फ़ोन है। देखिए कितना डैमेज है, देखिए इसका फ्रेम भी टूट गया है, बैक पैनल, कैमरा ग्लास सब कुछ टूट गया है। मैं इसको कंप्लीट पैनल होल्डर लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड। आप एंड तक हमारे वीडियो में बने रहें तभी आपको समझ में आएगा कैसे चेंज होता है। देखिए गाइस एकदम पूरा डैमेज है। इसका मैं बैक पैनल भी लाया हूँ, इसका फ्रेम भी लाया हूँ और इसका फोल्डर। अब मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ कैसे चेंज होता है। यहाँ से गाइस आपको स्क्रू इसका निकाल लेना है। यहाँ से पहले बैटरी निकाल लेना है, यहाँ से बैटरी निकल गई है। अब यहाँ पे आपको टेस्टर इसका छटका लेना है, यहाँ से आपको बोर्ड निकाल लेना है। देखिए नेटवर्क पत्ता है, सब कुछ निकल गया। आपको चार्जिंग किट निकाल लेना है। पत्ता बैठा लेना है, यहाँ पत्ता बैठा लेना है। यहाँ पे आपको स्पीकर बैठाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मदरबोर्ड बैठाना है। देखिए गाइस यहाँ पे हमने मदरबोर्ड लगा दिया है। ये नेटवर्क वायर है गाइस, इसको आप बहुत ध्यान से लगाना क्योंकि नेटवर्क वायर बहुत से लोग भूल जाते हैं बैठाना और उसकी वजह से नेटवर्क नहीं आता फ़ोन में। इसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट लगा के आपको फोल्डर चिपकाना है। देखिएगा मैं आपको दिखा दूँ।
अगर आप हमारे वीडियो में हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ़ोन से रिलेटेड मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। अगर आप हमारे वीडियो को देख के काम करेंगे तो आपका काम ख़राब नहीं होगा और आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग में। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना आप इंटरेस्टेड हैं फ़ोन में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेस्ट लगा लिया। यहाँ पे थोड़ा पेस्ट लगाना है फोल्डर में थोड़ा पेस्ट लगाना है, और उसके बाद आपको देखिए गाइस यहाँ पे आराम से इसको बैठा देना है। यहाँ पे देखिए मैंने फोन से देखिए गाइस, इसके बाद आपको बैटरी बैठाना है। अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फोन से रहेगा मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। फोन एकदम फाइनली चलने लगा है। आज के इतना गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।